everyone, welcome back to the channel. This is Ritsam, back to you with another vlog. Aur aaj dhamakedar vlog hone wala hai, because if you can see, I came to this place. Naam bahut funny hai, lekin naam pe mat jana. The name of this place is CHAB CHABA CHAB Resort and Waterpark. And you will not believe, this is an amazing place. Is side up dekh lo, ye complete bachcho ke liye rides hai. Yahan pe ye apne kaam ki cheez, mere piche बहुत सारी अमेजिंग राइड्स है. यहाँ पे आपको वाटर पार्क भी है, वाटर डांस है. लिटिल अनलकी कि अभी ये आज के लिए तो बंद हो गया, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6 बजने को आया है. अभी अंधेरा हो जाएगा, ये वाटर पार्क बंद हो गया. बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज मैं यहीं पे ठहरा हूँ. इसी रिसोर्ट के अंदर पीछे ओयो की होटल्स है. सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी वेयर, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, एनी वेयर इन द कंट्री, आप लोगों को पता है कि अगर इस वाटर पार्क में आपको एंजॉय करना है तो देर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू, बिकॉज यहाँ पे आपको रहने की भी फैसिलिटी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं. यू कैन बुक एन ओयो फ्रॉम योर साइड. और यहाँ पे आई एम टेलिंग यू, ये एक दिन का काम नहीं है. आई थिंक दिस इज़ बाई फार द बेस्ट वीकेंड प्लान आई कैन सी फॉर माई सेल्फ, कि मुझे नेक्स्ट अगर कभी भी वीकेंड प्लान करना तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई कैन डू. पूरा दिन यहाँ पर मैं वाटर पार्क में इंजॉय कर सकता हूँ. पास में ही हजीरा में ऑलमोस्ट 3 से 4 बीच है जो बहुत ब्यूटीफुल है. हजीरा में मैनग्रोव है, वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं. एक दिन पूरा बीच के लिए निकल दो और एक दिन आप सोच लो कि वाटर पार्क में इंजॉय करना है. दैट्स आई डोंट नो, और उससे अच्छा प्लान क्या हो सकता है वीकेंड के लिए एंजॉय करने के लिए, ना राइट. तो यस गाइस, राइट नाउ आई एम एट सवाली बीच. ये हजीरा से ही कुछ पास में जहाँ मैं कल रुका था छम छमा जम रिसोर्ट में, वहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर्स पे ये बीच है. सूरत के आसपास अगर हजीरा एरिया में कोई बीच आपको देखना है तो दिस इज़ द वन जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है लोगों के लिए. सैटरडे संडे यहाँ पे बहुत रश होती है. जैसे अलीबाग में या मुंबई में हम लोग देखते हैं कि बीचेस के ऊपर काफ़ी लोग सिर्फ घूमने आते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज़, इट्स प्योर ब्यूटी. मेरे पीछे जो समुंदर में लहरें आ रही है ना, आई कैन टेल यू, जब मैं आया था हार्डली 10 मिनट्स पहले, ये लहरें काफ़ी पीछे तक थी, एंड आई वॉज स्टैंडिंग राइट देयर. और जैसे ही मैं यहाँ 10 मिनट के अंदर वो लहरें इतनी पास आ गए ना, इट्स सो अमेजिंग एंड सूदिंग टू हार्ट. और मेरे पीछे ऑलरेडी बहुत बड़ा बीच बाकी है जहाँ पे ये पानी जाएगा. एंड आई कैन टेल यू, जहाँ से मैं आ रहा था अराउंड 2 to 3 किलोमीटर पीछे तक ये पानी जाता है समंदर का, इन सम डे जब बारिश बहुत हो जाती है. एंड इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल. एंड विल रिकमेंड कि अगर आप कहीं पे भी हो सूरत के अराउंड, अगर घूमने आना है, एक दिन का टाइम है, तो प्लीज़ 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 कम टू दिस प्लेस. सुवाली बीच सर्च कर लेना, नॉट वेरी फार फ्रॉम सूरत, 30 किलोमीटर्स के अराउंड होगा सूरत से. अगर आपको बस से आना है तो मोरा नियरेस्ट गांव है, मोरा तक बसेस आती है, सिटी बसेस. मोरा से आपको कोई भी ऑटो 100 रुपीज़ के अंदर यहाँ पर ले आ जाएगा, एंड इट इज़ रियली रियली वर्थ इट. साइड में थोड़ी चौपाटी जैसा भी है, वहाँ पर कुछ होटल्स है, वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी जैसे पीछे दिख रहा है. अंदर एंजॉय करने के लिए नहीं, हॉर्स राइडिंग करनी है वो भी यहाँ पे है, कैमल राइडिंग है, यहाँ पे कार्स है, कार्ड्स है, सारी चीज़ें तो हमें मोस्टली बीच पे मिलती है, वो सब यहाँ पे है. एंड यू कैन रियली रियली एंजॉय योर डे. फैमिली आउटिंग के लिए आई थिंक गुजरात में
मैं तो अब तक ज़्यादा बीचेस पे गया नहीं हूँ, लेकिन गुजरात में ये मेरी फर्स्ट बीच है एंड आई एम रियली रियली लविंग इट एंड यू शुड रियली ट्राई इट सून।